जल्दी सोना बहुत ही आसान आदत है, और जो लोग ऐसा नहीं करते वो बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ेंगे, क्योंकि ये एक साइंसी तौर पे भी अब तो प्रूव हो चुकी है कि आप जब भी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके ब्रेन से है। और बड़ी कीमती रिसर्च आपके सामने रखने लगा हूं। हमारा जो ब्रेन है ना, उसको अल्लाह ने जब तख्लीक किया है तो ये कमाल किस्म का कंप्यूटर है, इसके अंदर अल्लाह ने कमाल किस्म की फंक्शनैलिटी रखी है। वो क्या है, इशा के बाद जब वक्त शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली ये शट डाउन होना शुरू होता है, यानी इसके जो फंक्शंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसको ऑर्डर हो जाता है कि अब रात का वक्त है, तुम्हारा काम अब नहीं है, अब तुमने सोना है, रेस्ट करना है, अपने फंक्शंस को शट डाउन करो, क्योंकि रात का वक्त नेचुरली आराम का वक्त है। कुरान में भी अल्लाह ने कहा रात हमने आराम के लिए बनाई है। इसकी मिसाल यह है जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो जिसमें 1000 कमरे हो और एक बंदा एक तरह से शुरू हो और उसकी लाइटें ऑफ करना शुरू कर दे, ऐसे ये शट डाउन होता है, एकदम नहीं होता लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन बंद करता चला जाता है। और यूं ये तकरीबन 11 से 12 बजे तक ही इसके सारे फंक्शंस ऑफ हो चुके होते हैं। लेकिन जो शख्स इसके उलट करता है, वो इसको जगाता है, तो ये उसके अगेंस्ट चलेगा फिर, यानी दिमाग से जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो ये आ रही है कि इसको बंद कर दो, वो कहता नहीं जागो, दिमाग उस बटन को ऑफ करता है, ये फिर ऑन कर देता है, वो ऑफ करता है, ये फिर ऑन, इस तरह वो फ्लक्चुएशन चलती है। जिस तरह दो तारे आपस में जब टकराती हैं तो उनमें से जब वो फ्लक्चुएशन शरारे निकलते हैं, ऐसे दिमाग के अंदर तारों की आपस में टकराव शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वो मुसलसल जब वो ऐसा करता रहता है 12-1 बजे 2 बजे तक जब वो जाता है ये अमल, तो दिमाग वैसे ही अपना फंक्शन छोड़ देता है, वो कहता है ठीक है अब तो जो मर्जी कर, अब उसको नींद आएगी नहीं, अब वो सोने की कोशिश करेगा ना 2 बजे के बाद, नींद नहीं आएगी, वो सोना चाहता है अब लेकिन नींद नहीं आएगी क्योंकि दिमाग अपना फंक्शन छोड़ चुका है। इस तरह जब कोई रोज ही अमल करेगा 1 दिन 2 दिन 3 महीने 2 साल तक जब जाएगा तो दिमाग की तारें फ्लक्चुएट हो के फिर अपना असर जाहिर करना शुरू करेंगे। क्या? क्योंकि इसकी एक एक वायर का ताल्लुक आपके जिस्म के किसी ना किसी हिस्से के साथ है। वो वायर जो फ्लक्चुएट हुई थी, हो सकती वो मैदे की थी, वो मैदा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देगा, लबलबे के साथ ताल्लुक था, लबलबे का कैंसर पैदा हो जाएगा, जिगर के साथ ताल्लुक था, ब्रेन की उस वायर का जिगर के अंदर कैंसर पैदा शुरू हो जाएगा, ये गुर्दे डायलिसिस शुरू हो जाएंगे। क्यों? आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा गुर्दों को, ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज यहां से उठ रही है। दिल का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, सारा काम आपका ब्रेन कर रहा है, और ब्रेन को नींद की जरूरत होती है, आराम की जरूरत है। और देखो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, यहां जनाब मार्केटें 12 बजे खुलती हैं रात के, और इनके तो बर्तन ही खड़कने शुरू होते हैं रात 10 बजे के बाद कि अब खाना पक रहा है जी। तो बताओ हमारी कौम ने बीमार नहीं होना तो क्या होना, तो कैसे आप बरकत पाएंगे, कैसे आप तहज्जुद पढ़ेंगे, किस तरह आप फजर पढ़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपने घर में ऐसा निजाम बनाए, इंशाल्लाह कहो